तो चलिए, अभी हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये आपको सुनवाते हैं। वही है, 15 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम केस आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 5 समितियां ऐसी हम बना रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो एक तो अनलॉक किस तरह से किया जाए, मंत्रिमंडल की समिति इस पर अध्ययन करेगी अधिकारियों के साथ, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ में, नीचे के जनप्रतिनिधियों के साथ में, जिससे कि व्यवस्थित रूप से हमारा अनलॉक हो सके। एक वैक्सीनेशन के लिए भी अलग से समिति मंत्रिमंडल की बन रही है, जो जो हमें ग्लोबल टैकल करना है। हमें वर्तमान में यहाँ पर जैसे हमने मंत्रिमंडल की समिति लगा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता, सीटी स्कैन की उपलब्धता को गति दी और हमने एक मॉडल प्रदेश बनते हो गए, वैसे ही कमोबेश ये समितियाँ हमारी करेंगी, जो सबसे तालमेल मिला कर एक व्यवहार समिति भी है, इसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो हमारी वाणी में, वो भी देखेंगी। ऑक्सीजन के लिए, सीटी स्कैन के लिए, जैसा मैंने बनाया, ऐसे 5 समितियां मध्य प्रदेश में मंत्रियों की बनने वाली हैं, जिनकी घोषणा आजकल में हो जाएगी, जो अनलॉक करने से लेकर बाकी की सारी चीजों को देखेंगे, 4 बहनों को प्रशिक्षित करेंगे और रोजगार के नए अवसर महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को मिले, आज कैबिनेट ने इसको भी मंजूरी दी है। लोक स्वास्थ्य और पर्याप्त कल्याण विभाग में आज हमने जो विशेषज्ञों के पदों में स्वीकृति के लिए था उसमें संशोधन का भी तय किया है, और 25% पद सीधी भर्ती से और 75% पद हमने पदोन्नति से भरे जाने को आज स्वीकृति प्रदान की है। आप सबको ये भी मालूम है कि वर्तमान में कोविड की दूसरी लहर के बाद में लगातार डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सों की राज्य सरकार बड़े स्तर पर भर्ती कर रही है कि पूरी जनता को दिक्कत न हो जाए। स्वास्थ्य की सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार किया है। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के सहयोग जो कोविड कर्फ्यू में मिला है उसके लिए भी आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों का भी आभार व्यक्त किया, और यही कारण है कि जनता के सहयोग से जो कोरोना की चेन टूटी, आज हम तिगनी स्थिति में हैं जिसमें हमारी लोग रिकवरी होके जा रहे हैं।